Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the use of able to, can and could. मैं आपको इन तीनों का एक दूसरे से संपर्क में संबंध बताऊंगा, रिलेशन बताऊंगा कि एबल टू, कैन और कुड का संबंध आपस में क्या होता है. ठीक है फ्रेंड्स, हम किस तरीके से एबल टू, कैन और कुड को एक साथ एक ही सेंटेंस को हम बना सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आपने सुना होगा एबल टू का इस्तेमाल, आपने सुना होगा आई एम नॉट एबल टू कम, आई नॉट बी एबल टू गो, मीन्स इस तरह का एबल टू का इस्तेमाल आपने सुना होगा. तो एबल टू का मतलब क्या होता है? एबल टू का मतलब होता है के काबिल होना, के योग्य होना, के सामर्थ्य होना या कर सकना. एबल का मतलब ये होता है कि काबिल होना, मतलब किसी के काबिल होना या किसी के सामर्थ्य होना या किसी के योग्य होना या कुछ कर सकना. ठीक है फ्रेंड्स, और कैन और कुड का मतलब भी यही होता है. तो हम किस तरीके से एबल टू वाला सेंटेंस को हम कैन से बना सकते हैं और कुड से भी बना सकते हैं, यही हम सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके सेंटेंस द्वारा समझते जाते हैं. पहला सेंटेंस है कि मैं ये काम करने के काबिल हूँ. मैं ये काम करने के काबिल हूँ, मीन्स आई एम एबल टू डू दिस वर्क. या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई कैन डू दिस वर्क. ओके फ्रेंड्स, या तो आप एबल टू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं या कैन का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं. अभी दूसरा सेंटेंस है, राम इस काम को करने के काबिल है. तो राम इस काम को करने के काबिल है, राम इज एबल टू डू दिस वर्क. या राम कैन डू दिस वर्क. फ्रेंड्स, दोनों बातें एक ही अर्थ लेकर निकलती है. ठीक है फ्रेंड्स, या तो हम कैन से बनाते हैं या एबल टू से बनाते हैं, दोनों में से हम किसी से भी बनाते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ वही निकलता है. ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम कैन से भी बना सकते हैं और एबल टू से भी बना सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो. क्या तुम इस बिजनेस को संभाल सकते हो, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. या क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बनाएंगे कि आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस या कैन यू हैंडल दिस बिजनेस. ओके फ्रेंड्स, आगे सेंटेंस है, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाया. कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाया, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका. तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि आई वॉज नॉट एबल टू कम टू योर हाउस यस्टरडे या आई कुडंट कम टू योर हाउस यस्टरडे. ठीक है फ्रेंड्स, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं. मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाता हूं या मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूं, दोनों बात एक ही अर्थ लेकर निकलती है. ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको बना सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू क्लाइम अप द ट्री या आई कांट क्लाइम ऑन द ट्री. ओके फ्रेंड्स, वो कल नहीं आ पाएगा, मतलब वो कल नहीं आ सकता है, मीन्स दोनों का अर्थ एक ही होता है कि वो कल आने में सामर्थ्य नहीं है, वो या वह कल आने के योग्य नहीं है, या वह कल नहीं आ पाएगा. सारे के सारे सेंटेंस में एक ही अर्थ होता है. और हम उसको बनाएंगे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो मैं कल, क्या है, वो कल नहीं आ पाएगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो या ही कांट कम टुमारो या ही कुडंट कम टुमारो. ठीक है फ्रेंड्स, वो कल नहीं आ सकेगा. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, दोनों एक ही है, इसलिए हम इसको बनाएंगे आई एम नॉट, क्या है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो आई
आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू या आई कैंट हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि एबल टू, कैन और कुड का आपस में संबंध क्या है और हम किस तरह से इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, हम एबल टू वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और हिंदी में किस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता हो हमारे वीडियो से तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।